तो देखिए आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारी छत रहती है छत का प्लास्टर कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे आपके जो हमारी छत है, छत पे हमने सीमेंट का घोल मार दिया है। सीमेंट का घोल मारने के बाद इसके ऊपर जो हमारा रेत और सीमेंट का मोर्टार है इसको लगाया जाएगा। तो देखिए सीमेंट का घोल डालने के बाद जो अब हमारा है रेत और सीमेंट का जो मोर्टार है उसको किस प्रकार से जो दीवार के ऊपर है उस पर इसकी छपाई करी जा रही है। ये आप टेक्निक को देख के समझिए कि किस प्रकार से दीवार पे ये जो माल है हमारा रेत और सीमेंट का इसको किस प्रकार से लगाया जाता है। दीवार से ये अच्छी तरह से पकड़ कर इसके लिए पहले घोल डाल दिए गए। आप देखेंगे, आपने देखा भी ये जो घोल डाला हुआ है इसी के वजह से जो रेत और सीमेंट का माल ही ये हमारी दीवारों पर पकड़ कर लेता है जो हमारी छत है उसके ऊपर। तो छत पर पकड़ कराने के लिए ये घोल को डाला जाता है जिसके बाद जो हमारा ये रेत सीमेंट का माल है इसको लगाया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप छत का प्लास्टर करना सीखेंगे किस प्रकार से छत के प्लास्टर को करा जाता है। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसमें हम आपको धार कोर बनाना भी सिखाएंगे कि तो देखिए जो माल है रेत सीमेंट का इसको पूरा का पूरा छत में लगा के कंप्लीट कर लिया गया है। अब फंटी के माध्यम से इसको लेवल करा जाएगा। इसको माल काटना बोलते हैं, जो अतिरिक्त माल होता है हमारा उसको फंटी के माध्यम से इस प्रकार से काटा जाता है और लेवल करा जाता है। अब इसका दरिंदे के माध्यम से इस पूरे प्लास्टर को लेवल करेंगे। ये हमारी छोटी फंटी है जिसके माध्यम से इसको काटा जा रहा माल को। अब जहां जहां पे लेवल करेंगे कम ज्यादा माल लग रहा है वहां वहां माल लगा के रंदे के माध्यम से इसको लेवल कर रहे हैं। ये जो लेवल उतारा गया है इसी के माध्यम से रंदे को घुमाया जाएगा। इसमें हमारे तीन लाइट के पॉइंट है जिन्हें ध्यानपूर्वक छोड़ दिया गया है।
अब देखिए, रंदा चलाने के बाद जहाँ जहाँ गेप है वहाँ वहाँ माल को लगाकर जो गुटका है, गुटके के माध्यम से इसको प्लेन करा जा रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ हमें गड्ढे दिख रहे हैं वहाँ वहाँ कन्नी से माल को लगा रहे हैं, और माल को लगाने का जो ये गुटका है, गुटके से इसको प्लेन करा जा रहा है। तो जो आपको स्मूथ सरफेस दिख रहा होगा वो क्रिएट होता जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जगह जगह गड्ढे हैं, तो इसको कन्नी से लेवल कर दिया गया है माल भर के। अब जो गुटका है, गुटका लगा के इन सबको प्लेन कर देंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्लास्टर को करा जाता है, खास करके जो छत रहती है, छत पे किस प्रकार से प्लास्टर को करा जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इस एरिया में गड्ढे दिखेंगे, तो कन्नी से यहाँ पे माल को डाल दिया जाएगा। माल डालने का फिर एक गुटके के माध्यम से इसको लेवल कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये हमारा प्लास्टर नीचे से कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बारी हमारी धार कोर की, तो धार कोर को किस प्रकार से बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, धार कोर को बनाने के लिए आप मेरे सामने देखेंगे कि जो हमारी ये फंटी रहती है, फंटी को लगा देते हैं लेवल करके। फंटी लगाने के बाद फिर जो हमारा ऊपर का पोर्शन है, जहाँ पर हमारे गैप्स आ रहे हैं, वहाँ पर इस मोर्टार को कन्नी के माध्यम से भरा जाएगा। देखिए, कन्नी के माध्यम से इस प्रकार से जो हमारा रेत सीमेंट का माल है, इसको इसमें भर दिया गया है। अब इसको गुटके के माध्यम से प्लेन करेंगे। इस टाइम पे जो हमारी कन्नी बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, वरना आपकी जो धार है वो खराब हो सकती है। अब क्या करेंगे कि जो हमारी फंटी है, इसको बिल्कुल धीरे से पीछे की तरफ सरकाते हुए हटा देंगे। तो देखिए, ये जो हमारी धार है वो हमारी बन चुकी है। तो इस प्रकार से जो कि हमारी धार रहती है उनको बनाया जाता है। अब देखिए, ऊपर के सिरे को लगा के, जिस प्रकार से हमने फंटी को नीचे से लगा के ऊपर की धार बनाई थी, उसी प्रकार से फंटी को ऊपर लगा के नीचे की धार बनाएंगे। अब नीचे से जो है धार को लेवल करा जा रहा है, फिर गुटके से इसको प्लेन करके धीरे से फंटी को ऊपर सरकाते हुए इसकी धार को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, धार को जो कि ये लेवल कर लिया गया है। अब ये फंटी को ऊपर सरका के जो हमारी धार है, ये हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारा नीचे का प्लास्टर रहता है हमारी छत का, उसको करा जाता है। और आपने अभी देखा, इस प्रकार से धार बनाई जाती है।
तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।